गुरुवार को यूरिया उर्वरक के लिए अल सुबह से ही सोसाइटी के सामने कतार में खड़े किसानों को जब शाम तक उर्वरक नहीं मिला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान उन्होंने आक्रोशित होकर इछावर SDM प्रगति वर्मा के निवास के सामने सीहोर नसरुल्लागंज हाईवे पर चक्कर जाम कर दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हाईवे पर चक्का जाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। वाहन चालकों को लंबे समय तक परेशान होना पड़ा। क्या नाम है? मथुरालाल। क्या परेशानी है रात में चक्का जाम का? सुबह का आया, भूखा प्यासा है यहाँ पे। कब के आए थे? सुबह सुबह का 8 बजे का। इसके बाद भी नहीं दी? हाँ नहीं दी। नहीं क्यों नहीं दी? देते ही नहीं। कुछ बताया देगा देगा तरीके ना तरीके लाइन लगाए ने हेड़ते बगल हेड़ी हेड़ी। अच्छा, और बाकी लोगों को दे दिया? क्या नाम है? अरे सर, सुबह के खाद के परेशान, सुबह 7 बजे के खड़े हैं हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे अभी तक? अब उन्होंने बंद कर दिया, जब नंबर आया तो बंद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, तो क्या ये बेईमानी कर रहे हैं खाद देने में? यह देने में बेईमानी कर रहे हैं सर। 3 बार ले लिया लोगों ने, हमें एक बार भी नहीं मिला खाद, 2 बोरी तक नहीं मिला। अगर ये खाद नहीं देंगे तो चक्का जाम नहीं करोगे? अरे सर, बिल्कुल चक्का जाम करने पे ठहरे सर। अब मजबूरी है, मोटर चल रही कुएं पे और पानी जो है। कब से आए थे यहाँ खाद लेने? सुबह का आया सर, 7 बजे का आया हूँ यहाँ पे। 7 बजे की लाइन लगाई है, कोई मतलब नहीं मिला। 3-4 बार इन्हें टेबल उठा के इधर का इधर पलटी कर दिया। आप भी किसान की समस्या को सुनो। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और जाम खुलवाया। दरअसल किसानों का आरोप है कि कर्मचारी अपने चहेते और रसूखदारों को ही उर्वरक देते हैं, जबकि आम किसानों को एक एक बोरी यूरिया के लिए सुबह से देर रात तक कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद उर्वरक नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में फसल प्रभावित हो रही है। लेकिन खास बात यह है कि किसानों को उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दोपहर न्यूज के लिए सीहोर से अनिल मालवीय की रिपोर्ट।